छह देखिए, पूछ रहा है ना कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। तो समझिए पहले, पदों की जो संख्या होती है, पदों की संख्या, या तो मतलब कोई भी एपी में कोई भी पद जो होगा, या तो एक होगा, दो होगा, पांच होगा, आठ होगा, दस होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी प्राकृत संख्या के ही रूप में होगा पदों की संख्या। तो अगर यहां निकाले, अगर पदों की संख्या बटा में आ गया या माइनस में आ गया, तो वो आपका पद ये नहीं होगा। तो यहां मान लेंगे कि माना माइनस 150 एपी का एनवा पद है। एनवा पद है, हम लोग मान लेते हैं कि यह एनवा पद है, यानी कि यहाँ पे, यहाँ इस एपी से पहले देखिए, ए बराबर दिया है 11, डी बराबर ए 2 माइनस ए 1 निकालेंगे, यानी हो जाएगा डी बराबर 8 माइनस 11, यानी कि डी का माना जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अच्छा, एनवा पद हम माने हैं माइनस का 150। अगर यहां से एन का मान प्राकृत संख्या के रूप में आ रहा है, तब यहां से आप कह सकते हैं कि माइनस 150 एपी का पद है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में माइनस का 150। ए का मान कितना है, तो ए का मान है 11 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है यहाँ, माइनस 3 बराबर में माइनस का 150। तो एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 बराबर में माइनस में 150 और माइनस का 11 हो जाएगा यहां से। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो n माइनस 1 इंटू में माइनस का 3 बराबर में माइनस का, यहां से आ जाएगा 161। ठीक है, माइनस का 161, तो n माइनस 1 बराबर माइनस का 161 और बट्टा में माइनस का 3। माइनस माइनस कट जाएगा, ये कटेगा क्या यहाँ पे, नहीं कटेगा। चलिए n बराबर हो जाएगा 161 बटा में 3 और प्लस में 1। चलिए इसको जोड़ लेते हैं एलसीएम लेके, जोड़िएगा, यहाँ एलसीएम होगा 3, 161 और प्लस में 3, यानी कि n बराबर हो जाएगा 164 बटा 3। तो इसको भाग करिएगा तो ये कितना बार में जाएगा, तो नहीं जाएगा, ये ना पूर्णांक में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 2/3 पूर्णांक में आ गया। तो ये एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आया मान, इसलिए माइनस 150 एपी का पद नहीं है, जो दिया हुआ एपी है उसका पद नहीं है, ये पद नहीं है। क्लियर हो गया, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन